हेलो गाइस, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन। और मैं हूं शुभम स्वामी। और आज हम देखेंगे फ्यूल्स का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, या कहे आपको केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो है कंबशन के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जो आते हैं 6 मार्क के लिए। ठीक है, तो अगर आप इसका आधा पार्ट भी करोगे तो आपको मैक्सिमम 4 to 5 मार्क्स तो यहाँ ही मिल जाएंगे। तो हम देखेंगे अब कंबशन में होता कैसे, क्या है न्यूमेरिकल्स। तो बेसिकली कंबशन के न्यूमेरिकल 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें 2 फॉर्मूले होते हैं, वेट ऑफ एयर नीडेड एंड वॉल्यूम ऑफ एयर नीडेड रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये 32/12, ये 2.67, पहले हम फॉर्मूला देख लेंगे। ठीक है, 2.67 ऑफ कार्बन प्लस 8 हाइड्रोजन प्लस सल्फर माइनस ऑक्सीजन इंटू 100/23। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ एयर का क्या है, वेट ऑफ एयर जो अपने यहाँ से मिला, इंटू 22.4/28.94 m³। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कैसे और कहाँ से आया, अब मैं वो आपको बताता हूँ। तो बेसिकली ये फॉर्मूला यहाँ से आया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, एक CO कंप्लीट कंबशन के लिए कार्बन CO2 बनाना है तो उसमें 12 kg ऑफ कार्बन, जो बेसिकली वेट है कार्बन का, वो 32 kg ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर कर रहा है कंप्लीट कंबशन के लिए। ठीक है, तो अगर हम लोग अपन को C kg ऑफ कार्बन दे दिया, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कार्बन, तो उसको कितना रिक्वायर्ड होगा, तो वो कैसे फाइंड करेंगे अपन, C × 32 × 12। तो वैसे फाइंड करेंगे, अब 32/12 को अगर सेपरेटली डिवाइड कर लिया तो अपने को मिल जाएगा 2.67 ऑफ कार्बन सी। वैसे ही हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन जब कंप्लीट कंबशन होता है ऑक्सीजन के साथ, तो बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हो रिएक्शन में 4 kg, जो बेसिक रिएक्शन है। ठीक है, कंप्लीट कंबशन होने के लिए तो 4 kg ऑफ हाइड्रोजन को रिक्वायर है, 32 kg, तो HKG समझ लो, हाइड्रोजन है, इसके लिए रिप्रेजेंट कर दिया H से, तो HKG ऑफ हाइड्रोजन को एक पर्टिकुलर अमाउंट है, तो कितना रिक्वायर्ड होगा ऑक्सीजन, तो H × 32/4, यहाँ से अपने को मिलता है 4 × 32/4 = 8 हाइड्रोजन। फिर आप देखोगे सल्फर, तो सल्फर का कैसा है, 32 kg ऑफ सल्फर जो मास है, वेट है सल्फर का रिक्वायर्ड, 32 kg ऑफ ऑक्सीजन, तो S kg ऑफ सल्फर 32/32 1, दैट इज S। अब देखो एयर के पास क्या होता है, 23% ऑफ ऑक्सीजन होता है एयर के अंदर बाय वेट। ठीक है, वेट के अकॉर्डिंग अगर हम वेट की बात करें, और 21% ऑक्सीजन होता है अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो। ठीक है, ये दोनों अपनी जगह पे अलग, ठीक है, डिसाइड कर रहे। तो अब देखो, जैसे 23 kg हम जो कह रहे हैं कि 23 kg ऑफ ऑक्सीजन को रिक्वायर्ड है 100 kg ऑफ एयर। ठीक है, तो 1 kg ऑक्सीजन को 1 kg ऑफ ऑक्सीजन कितने kg ऑफ एयर में रहेगा, तो बेसिकली डेट इज व्हाट 100/23। ठीक है, तो उसी तरीके से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ। तो देखा गाइस, 2.67 ऑफ कार्बन, 8 हाइड्रोजन प्लस सिंगल सल्फर माइनस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को निकाला है, क्यों, बिकॉज 8 ऑफ एयर नीडेड फॉर द होल द सारे कंपोनेंट्स के लिए एक्सेप्ट ऑक्सीजन को निकाल के। ठीक है, इंटू 100/23 क्यों लिया, 1 kg ऑफ एयर, 1 kg ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन हाउ मच अमाउंट ऑफ एयर, इसके लिए 100/23। अब वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड में कैसा होता है, वेट ऑफ एयर जो यहाँ से मिला, इंटू 22.4 क्या है, किसी भी 22.4 ये कि कोई भी गैस, ठीक है, उसका 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल वेट करने के लिए 22.4 लीटर लेते अपन STP पे। ठीक है, STP पे, STP कह लो या NTP कह लो, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, ठीक है, या फिर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 22.4 लेते हैं। ठीक है, किसी भी गैस का, और 28.94 क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है एयर का खुद का। ठीक है, तो यहाँ से ये डिराइव हुआ है फॉर्मूला, इंटू 22.4/28.94 m³ वॉल्यूम है इसके लिए, और kg यहाँ पे बिकॉज ये वेट है। ठीक है गाइस, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब गाइस, अब हम देखेंगे पहला टाइप का न्यूमेरिकल जो कंबशन में पूछा जाता है। तो बेसिकली अपने को क्या कैलकुलेट करने बोला है, वेट एंड वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड, जैसे आपने फॉर्मूला देखा था फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ, बट यहाँ पे चेंज है, कितना केजी पूछा है, 5 kg, तो यह याद रखना। इसके लिए मैंने इसको बॉक्स में मार्क किया, क्योंकि अपने को 5 kg सब बताना है। ठीक है, तो अपन पहले ये जो नॉर्मल फॉर्मूला था वो 1 kg के लिए था, तो अपन को 5 के लिए निकालना है, विद कंपोजिशन, अलग अलग एलिमेंट्स की कंपोजिशन दिए, जब सिंगल एलिमेंट्स की कंपोजिशन देगी तो कैसे, अब मॉलिक्यूलर वेट देखो यहाँ पे दिया रहेगा एयर का 28.94, कभी कभी नहीं दिया रहता है तो बाय डिफॉल्ट वही लेना रहता है। ठीक है, या फिर वही देंगे। हाँ, और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये स्टार मार्क करके क्यों लिखा है, क्योंकि देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको कहीं पे भी सल्फर नहीं है, अपने फॉर्मूला में क्या था, कार्बन, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या थी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, सल्फर है कहीं नहीं है, ओफ्रे, तो अब सल्फर क्या, तो जब भी सल्फर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो उसका वैल्यू हमेशा क्या लेना है, 0। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए रेड में लिखा है, तो हमेशा उसका वैल्यू लेना है 0। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बेसिकली मेंशन करेंगे क्या क्या कंपोनेंट्स है अपने पास। तो कंपोनेंट्स है हमारे पास, वो है, तो कंपोनेंट्स है अपने पास कार्बन, हाइड्रोजन,
फिर बाद में ऑक्सीजन डू नाइट्रोजन एन और लास्ट में है मॉइस्चर और एस ऐश सॉरी एस मॉइस्चर और ऐश ठीक है। सल्फर दिया है नहीं बट अपन को मेंशन करना है ठीक है। अब नहीं दिया है तो वैल्यू डायरेक्ट 0 0। अब बाकी के वैल्यूज तो दिए अपने को तो परसेंटेज में वैल्यूज क्या दिए कार्बन का 54 हाइड्रोजन का क्या दिया 6.5 ऑक्सीजन का कितना दिया 3% नाइट्रोजन का 1.8 वैल्यूज लिख देता हूँ 17.3 और ऐश का 17.4। अब ठीक है गाइस ये देखो सेम है 17.3 17.4 और 18 1.8। सो गाइस अभी देखो ये सारी वेट अपने को परसेंटेज में दी गई ठीक है। अब इन परसेंटेज को अपने को क्या करना है वेट में निकालना है तो सिंपली क्या करेंगे अपन इसको डिवाइड बाय 100 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 एंड डिवाइड बाय 100। तो आप इसको सिंपली सारी चीज़ों को डिवाइड बाय 100 कर दोगे तो वैल्यूज आ जाएगी आपको 0.54 हर एक की पर केजी के हिसाब से ठीक है 0.065 0.03 0.018 और ये आ जाएगी 173 और ये आ जाएगा 174 ठीक है। अब गाइस देखो अपने को नाइट्रोजन मॉइस्चर एज ये तीनों का कुछ लेना देना नहीं है तो ठीक है सिंपली कट कर देते कुछ मतलब नहीं अपने को तेल लगाने का ठीक है। तो अपने को चाहिए कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और सल्फर सल्फर है नहीं तो भूल जाओ 0 ठीक है। होता तो उसकी कुछ वैल्यू होती है उसको अपन डिवाइड बाय 100 करते हैं और यहाँ पे मिलता है ठीक है। तो अब हम करेंगे इसको कैलकुलेट। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपली अपन इसको फॉर्मूला में डालेंगे ये फॉर्मूला है अपना ठीक है। अब इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देंगे अपन तो बेसिकली अपना आया 2.67 इनटू कार्बन का क्या आया वेट 0.54 प्लस हाइड्रोजन का क्या आया 8 इंटू 0.065 प्लस सल्फर है नहीं 0 माइनस ऑक्सीजन है हाँ है कितना है 0.03 इंटू 100/23 ठीक है। तो अब इसका बेसिकली आप जब वैल्यू निकालोगे तो ये आपको आएगा वैल्यू 1.9318 ठीक है। सिंपल है इनको मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है ठीक है इंटू 100/23 इसका कुछ वैल्यू नहीं अभी साइड में रखते हैं। फिर इसका जो आया अपने को वैल्यू तो वो आया वेट अपने को 8.399 kg। तो अब देखो गाइस ये अपने को वेट 3.9 kg वेट ऑफ परसेंटेज का यह अपने को वेट ऑफ एयर नीडेड ठीक है। तो अब देखो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब वेट निकाला है ये पर केजी हो गया ठीक है गाइस। अब अपने को निकालना कितने के लिए था 5 kg तो सिंपली मल्टीप्लाई बाय 5 सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय फॉर 5 kg इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 8.399 × 5 ये अपने को वैल्यू देगा 41.995 kg। तो अब देखो अब अपने को मिल गया वैल्यू फॉर 5 kg। अब जो 5 kg के लिए वैल्यू निकाला है उसी के लिए अपन वेट जो निकाला है उसी के लिए वॉल्यूम निकालेंगे ठीक है दूसरा नहीं करेंगे। तो वॉल्यूम जो निकलेगा वो हमारा आएगा अभी वॉल्यूम इज इक्वल टू फॉर्मूला गया है अपने मॉलिक्यूलर वेट वेट ऑफ एयर नीडेड अपॉन 28.949 × 22.4। तो अपने को यहाँ पे वेट क्या मिला है तो यहाँ पे मिला है अपने को 41.995 × 22.4 upon 28.94 तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने को 32.494 m³। तो ये आ गई वॉल्यूम ऑफ एयर नीडेड। सो देखा गाइस कितना सिंपल था सिंपली वेट निकाला 5 kg के लिए निकालना था इसके लिए 5 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसके अकॉर्डिंगली अपन ने उसका वॉल्यूम निकाला। तो देखा गाइस कितना सिंपल था पहला टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। तो ये था पहला टाइप का न्यूमेरिकल ठीक है। जैसे देखा सब एलिमेंट्स का वेट परसेंटेज में वेट कंपोजिशन दिया हुआ है तो क्या क्या अपन ने सिंपली उसका टेबल बनाया उसके वेट्स लिखे परसेंटेज में फिर उसको वेट किया वेट में कन्वर्ट किया डिवाइड बाय 100 करके सिंपली फिर जो अपने को जरूरत नहीं उसको कैंसिल कर दिया नहीं है जरूरत सल्फर नहीं था इसके लिए 0 लिया होता तो कुछ वैल्यू लेते फिर सिंपली अपन ने इसको डाला फॉर्मूला में
फिर 5 kg के लिए 22 के लिए मल्टीप्लाई किया और फिर वॉल्यूम निकाला फॉर्मूला में डाल के। तो ये था टाइप 1 के न्यूमेरिकल्स। अब देखेंगे टाइप 2 न्यूमेरिकल्स। सो टाइप 2 न्यूमेरिकल्स में कैसा होता है? टाइप 2 न्यूमेरिकल्स में देखो गाइस, कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स, गैस, गैस में बहुत सारे एलिमेंट्स है उसका कंपोजिशन दे दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंगल एलिमेंट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एक केमिकल बॉन्ड रिलेटेड बॉन्ड वाला एलिमेंट है, ठीक है, जो C2CH4 C2H6, ठीक है, ऐसे सारे। तो अब इनमें से ऑक्सीजन का कैसे निकालेंगे? तो वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड एयर रिक्वायर्ड दोनों निकालना है फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ, बट मेंशन कितना है 8 m³ के लिए निकालना है, कितना 8 m³ के लिए। तो अब हम ये देखेंगे कि टाइप 2 में कैसे होता है। यहाँ पे सिर्फ अपने को निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन और एयर, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले स्टेप 1 मैंने बना के रखा है टेबल। तो स्टेप 1 में कैसे आएगा कि अपन सारे एलिमेंट्स लिस्ट डाउन कर देंगे, ठीक है। तो एलिमेंट्स क्या अपने CH4, ठीक है, फिर क्या C2H6, फिर तीसरा एलिमेंट क्या है नाइट्रोजन, तीसरा क्या है चौथा क्या है CO, तो CO, फिर क्या बचा O2, ठीक है, तो O2। अब ये सारे एलिमेंट्स हो गए, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अपने को, सिर्फ अब पहले सबसे पहले क्या करना है, रिएक्शन लिखना है, ठीक है। अब ये रिएक्शन कैसे लिखेंगे? तो बेसिकली पहले तो अपने को N2 की ज़रूरत है, नहीं है ज़रूरत, कैंसिल कर दो, डैश कर दो, ठीक है। O2 की ज़रूरत है, O2 की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखो क्या करेंगे हम, तो बेसिकली सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे। अब रिएक्शन कैसे लिखना है आपको, तो सबसे सिंपल चीज़, ये कॉमनली सारे रिएक्शन के लिए फॉलो हो गया गाइज, तो इसको ध्यान रखना, CH4+, ठीक है, O2 लिख दिया यहाँ पे, ये आपको देगा हमेशा, देगा हमेशा CO2+H2O। तो अब देखो गाइस, अब क्या करना है, ये आपको हर हर की एलिमेंट जो यहाँ पे प्रेजेंट है ना, हर एक के लिए ये रिएक्शन फॉलो होगा कि वो O2 के साथ रिएक्ट होगा और प्रोडक्ट देगा CO2 और H2O, ठीक है। तो अभी अपने को स्टार्ट कैसे करना है, अभी इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, ऐसे तो चलेगा नहीं। तो बैलेंस कहाँ से करोगे? तो बैलेंस सबसे पहले कार्बन को लेके करना है, कार्बन रिएक्टेंट में देखने का पहले। तो कार्बन कितना है रिएक्टेंट में? 1। फिर प्रोडक्ट में चेक करने का बैलेंस है कि नहीं, 1, चलो बैलेंस है। फिर जाने का हाइड्रोजन के लिए, अब हाइड्रोजन देखने का रिएक्टेंट में कितने, 4, और यहाँ पे कितने, 2, तो 2, 4 और ये 2 भाई बराबर तो है नहीं, तो प्रोडक्ट में बैलेंस करना पड़ेगा पहले हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे रख दिया 2। अब देखो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, हाँ बैलेंस हो गया। अब देखना है ऑक्सीजन को, बट ऑक्सीजन को कहाँ से देखेंगे, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के पास, ठीक है, उल्टा करेंगे, ऑक्सीजन को देखेंगे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया, ये 2 और ये 2, कितना हो गया 4, और यहाँ पे कितना, 2, तो बेसिकली ऐड कितना करना पड़ेगा, 2 और, तो 2 × 2 = 4, तो ये ऐड हो गया, तो ये हो गया बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन आपको एग्जाम में आएगा एलिमेंट, तो घबराना नहीं गाइस, सबसे सिंपल है, रिएक्टेंट को लिखा, O2 को लिखा, फिर हमेशा प्रोडक्ट फॉर्म होगा CO2 और H2O, और उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। सबसे पहले कार्बन को देखेंगे रिएक्टेंट में, फिर उसको बैलेंस करेंगे प्रोडक्ट में, फिर हाइड्रोजन को देखेंगे रिएक्टेंट में, उसको बैलेंस करेंगे प्रोडक्ट में। अब ऑक्सीजन का क्या होगा, उल्टा होगा, क्यों, क्योंकि सारी चीज़ें बैलेंस कार्बन और हाइड्रोजन के कारण ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोडक्ट में रेडी हो चुका है। तो ऑक्सीजन को देखेंगे पहले प्रोडक्ट में, और फिर उसके अकॉर्डिंगली बैलेंस करेंगे हम रिएक्टेंट में, ठीक है। तो अब दूसरे के लिए मैं फटाफट लिख देता हूँ क्या होता है, C2H6+O2 गिव्स CO2+H2O CO+O2 गिव्स CO2+H2O। इसके लिए तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना, कार्बन 2, यहाँ पे कार्बन 1, बैलेंस नहीं है, तो सबसे पहले कार्बन को बैलेंस किया 2, ठीक है, यहाँ पे अब कार्बन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 6, ठीक है, अब यहाँ पे कितना है, 2, तो बैलेंस करना पड़ेगा, 2 तो चलेगा, तो 3 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो 3 × 2 = 6, बैलेंस हो गया हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन को देखेंगे प्रोडक्ट से, तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन, 3, और यहाँ पे कितना है, 4, 4 × 3 = 7, अब यहाँ पे ऑलरेडी डिवाइड बाय 2 होता है ऑक्सीजन का, तो 7 / 2 करोगे तो क्या आएगा, 3.5, तो यहाँ पे लिखना है आपको 3.5। अब आप सोचोगे ये शुभम ने 3.5 क्यों लिखा, लेकिन गाइस ये प्रॉपर है, आप 3.5 लिखोगे तो यूनिवर्सिटी में कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा, और ये प्रॉपर है, ठीक है, ये बैलेंस रिएक्शन है क्योंकि ऑब्वियसली, ठीक है, तो ये 3.5 प्रॉपर है। अब रिएक्शंस हो गए बैलेंस, अब लास्ट वाला CO, C बैलेंस है, एच कितना है, अरे भाई सॉरी गाइस, यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी, कार्बन वाले में H2O नहीं आएगा, बिकॉज हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, तो H2O वाटर बनेगा कैसे, ठीक है,
तो यहाँ पे याद ध्यान रखना, याद रखना कार्बन ऑब्वियसली हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो पानी बनेगा कैसे, H2O। तो इसके लिए यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएगा, तो पहले कार्बन, कार्बन बैलेंस है, बैलेंस है। फिर ऑक्सीजन प्रोडक्ट में देखते हैं, ऑक्सीजन कितना है, दो, यहाँ पे कितना है, एक, और यहाँ पे दो, तीन। तो यहाँ इसको हाफ करना पड़ेगा भाई, ऐसे तो नहीं चलेगा, तो इसको कर देंगे 1/2। तो ये हो जाएगा बैलेंस, तो ये हो जाएगा 1 + 1 2, बैलेंस हो गया। अब क्या करना है, अब इनके वेट्स लिखने, अब वापस क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। तो अब वापस क्वेश्चन लेके आएंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ क्या दी है, 14। अब फटाफट वैल्यूज़ लिख देंगे अपन, 14, 25, 5, CO20 और ऑक्सीजन 5, ठीक है। अब ये इसका क्वेश्चन का पार्ट कंप्लीटली खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब एकदम एंड में आएगा जब अपने को वैल्यू निकालनी होगी। अब क्या करना है, सिंपली डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो अपने को वैल्यूज मिल जाएगी, वो होगी यहाँ पे, सॉरी गाइस ये यहाँ पे 15 था, मैंने मिस्टेक कर दिया, तो करेक्ट कर लेता हूँ। 0.15, इसका आएगा 0.25, इसका आएगा 0.05, इसका आएगा 0.2, और इसका आएगा 0.05, ठीक है। तो ये आ गए अपने को वेट पर केजी के। अब निकालेंगे हम इसको ऑक्सीजन के हिसाब से वॉल्यूम में। तो अब देख लेंगे गाइस, तो अब देखते हैं कि क्या सीन है। तो बेसिकली सबसे पहले एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है। तो एलिमेंट सबसे पहले क्या है, CH4, ठीक है। तो CH4 में कितना ऑक्सीजन है, अब वो देखना है, दो ऑक्सीजन है, ठीक है। तो दो ऑक्सीजन है, और वेट पर केजी क्या है CH4 में, 0.15। तो 0.15 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2, तो ये आपको मिल जाएगा 0.3। अब देखेंगे C2H6, वेट क्या आई, 0.25। कितने ऑक्सीजन है, 3.5। देखा गाइस, इसके लिए मैंने कहा आपको ये गलत नहीं है, ये प्रॉपर है बैलेंस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है अपने को 0.875, ठीक है। अब बचा CO, ठीक है, क्योंकि N2 तो काम का नहीं है, ना ही ऑक्सीजन अपने को यहाँ काम का है, बट अब आएगा काम में। तो CO का क्या आएगा, वेट कितनी है CO की, 0.2, 0.2। ऑक्सीजन कितना यूज हुआ है, 1/2, डेट इज 0.5। तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 0.1। अब क्या करना है, अब अपने को करना है इन सबको एडिशन, इन सबको करना है एडिशन। तो ऐड करेंगे तो अपने को वैल्यू आएगी, ये आ गया 5, ये आ गया 7, 8+1 9, 9+3 12, और ये 1 ऊपर के, तो 1. एक सेकेंड गाइस, सो ये गाइस आ गया 1.275। अब देखो अब क्या करना है, इसमें से माइनस करना है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का क्यों माइनस करना है, बिकॉज वो ऑलरेडी प्रेजेंट है और अपने को उसके लिए निकालना नहीं है, ठीक है। अपने को सिर्फ कंबशन निकालना है बाकी एलिमेंट्स के लिए, ऑक्सीजन के लिए नहीं, ठीक है। बाकी एलिमेंट्स को लेके ऑक्सीजन को निकालना है इसके लिए अपने को रिएक्शन में। तो कितना है इसका वेट, 0.05, तो -0.05। तो ये वैल्यू अपने को, तो ये वैल्यू आ गई 1.225, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, अब ये है मीटर क्यूब में, ठीक है। क्योंकि ये क्या कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट किया हमने वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ O2, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ O2 कैलकुलेट किया हर एक एलिमेंट में, ठीक है। तो इसके लिए अपन ने O2 निकाला, जो कंप्लीट कंबशन के लिए था, इसके लिए वो उसको यहाँ से पहले अपन ने निकाला, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लिया O2 को, अब जाना है मेन चीज़ के पास, अब कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ O2, ठीक है, मीटर क्यूब में। तो मतलब 8 m³ के लिए अपन ने ये जो यहाँ तक किया, ठीक है, ये जो वॉल्यूम ऑफ O2 अपन ने यहाँ तक निकाला, ये किसके लिए था, ये था 1 m³ के लिए। बट अपने को क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है, क्वेश्चन में मेंशन किया है 8 m³। देखा गाइस, इसके लिए मैंने यहाँ पे बॉक्स किया था, क्यों मेंशन किया है 8 m³। तो इसके लिए सिंपली अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको 8 m³ से, 8 से। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू लेंगे 1.225 × 8, तो डैट इज, इट गिव्स 1.225 × 8, डैट इट गिव्स 9.8 m³। तो ये आ गए वॉल्यूम ऑफ O2 प्रेजेंट इन 8 m³, ठीक है, फॉर 8 m³। अब वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना है, अब वॉल्यूम ऑफ एयर कैसे निकालेंगे, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि ऑक्सीजन, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि एयर के अंदर 21% ऑफ ऑक्सीजन होता है बाय वॉल्यूम, ठीक है, एंड 23% बाय वेट। तो अब इसका यूज़ करेंगे, अब इसका यूज़ कैसे करेंगे, अब हम देखेंगे कि 21 m³ ऑफ ऑक्सीजन में 100 m³
क्यूब ऑफ एयर में 21 मीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, तो कितने मीटर ऑफ एयर में, ठीक है, अपने पास वॉल्यूम ऑफ ओ2 आ गया, तो 9.8 मीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन कितने मीटर क्यूब ऑफ एयर में, ठीक है, उसका एक्स ले लिया मीटर क्यूब ऑफ एयर में, ठीक है, तो अपन इसको सिंपली कैसे करेंगे कि 100, तो इसको यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, तो दैट इज 9.8 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 9.8 अपॉन 21 मीटर क्यूब, दैट इज ओरिजिनल, तो अपने को एक्स मिल जाएगा इससे, तो इसका वैल्यू आएगा, अब करेंगे हम 100 × 9.8 डिवाइडेड बाय 21, तो इसका वैल्यू आ गया 46.666 जा रहा है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट कर देंगे 46.667 मीटर क्यूब। तो ये गाइस मिल गया सिंपली अपने को वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ ओ2 कितने के लिए, 8 मीटर क्यूब के लिए। अब 8 मीटर क्यूब के लिए कैसे वॉल्यूम ऑफ एयर मिला, क्योंकि अपन ने वॉल्यूम ऑफ ओ2 कैलकुलेट किया था 8 मीटर क्यूब के लिए, तो सिंपली अपने को एयर भी मिल गया 8 मीटर क्यूब के लिए। तो देखा गाइस कैसे ये सारे स्टेप से अपन ने सम सॉल्व कर लिया टाइप 2 का, और बेसिकली सारे एलिमेंट्स के कंपोजिशन दिए थे, कैलकुलेट करने बोला था ऑक्सीजन ऑफ एयर 8 मीटर क्यूब के लिए, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। तो अपन ने सबसे पहला स्टेप क्या किया, सबसे पहले उसके लिए रिएक्शंस एलिमेंट्स को लेके रिएक्शंस बैलेंस किया, सबसे पहले करेंगे कार्बन को बैलेंस रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट को देख के प्रोडक्ट में, फिर हाइड्रोजन को करेंगे बैलेंस रिएक्टेंट को देख के प्रोडक्ट में, और फिर ऑक्सीजन को करेंगे उल्टा प्रोडक्ट में देख के रिएक्टेंट में, ठीक है, फिर बैलेंस करने के बाद उसके वेट को कन्वर्ट, परसेंटेज की वेट को किया वेट में कन्वर्ट, फिर निकाला अपन ने एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग ओ2 का वॉल्यूम, तो ये था 1 मीटर क्यूब के लिए ओ2 का वॉल्यूम, फिर अपन ने ओ2 का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब के लिए निकाल लिया, तो 8 मीटर क्यूब के लिए सिंपली मल्टीप्लाई बाय 8 और वॉल्यूम ऑफ एयर उतने 8 मीटर क्यूब के लिए। तो ये था आपका टाइप 2 का न्यूमेरिकल। अब देखते हैं टाइप 2 का न्यूमेरिकल एक और टाइप का आता है, ठीक है गाइस, तो अब इसमें क्या है, तो इसमें देखो इसमें भी H2CH4C2CON2। अब मैं देखो इसमें आपको बताऊंगा नहीं, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्विस्ट क्या है देखो मैं आपको बताऊंगा, तो आपको सिर्फ स्टेप्स बताऊंगा आपको मैं इसमें करना क्या है। तो स्टेप 1 इसमें आपको लिखना है रिएक्शन टेबल बनाना है, रिएक्शन टेबल, ठीक है, जो अपन ने टेबल बनाया था याद नहीं हो तो ये रिएक्शन टेबल है, इसको रिएक्शन टेबल कहते हैं, ठीक है, तो ये रिएक्शन टेबल बनाना है, सब चीज़ ऐसी की ऐसी लिखनी है, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद आपको बनाना है स्टेप 2 में आपको करना है वॉल्यूम ऑफ ओ2 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ओ2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, हर एक रिएक्टेंट को लिखेंगे और 1 मीटर क्यूब के लिए ओ2 निकालेंगे, अगर ओ2 मेंशन होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसमें मेंशन है क्या ओ2, नहीं ओ2 मेंशन नहीं है, तो सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, अब 1 मीटर क्यूब के निकाल लिया, अब इसने क्या बोला है कि एयर कंटेंट्स 20% ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो अब देखो गाइस यहाँ पे ट्विस्ट क्या आ गया, कि यहाँ पे ट्विस्ट ये आ गया कि यहाँ पे जो अपन ने बोला कि 21, अपन जो यहाँ पे बोल रहे कि एयर के अंदर 100 मीटर क्यूब में 21 मीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे इस चीज़ को ये मैनिपुलेट कर रहे, क्या कर रहे कि अज्यूम, क्या कर रहे, अज्यूम कर रहे कि एयर के अंदर क्या होगा 20% ऑफ ऑक्सीजन, 21 की जगह रिप्लेस क्या किया है 21 को, 21 इज रिप्लेस्ड बाय 20, ठीक है, 21 को रिप्लेस किया है 20 से। तो बेसिकली घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ आपको निकालना है स्टेप 3 में वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना है आपको, ठीक है, बट यहाँ पे लेना है, बट एक्सेप्शन है यहाँ पे, तो वो हम लिखेंगे, तो यहाँ पे जो अपने को वैल्यू आएगा, ठीक है, O2 का, तो वो निकालेंगे हम, ये कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालेंगे हम वॉल्यूम ऑफ O2 इंटू वॉल्यूम ऑफ O2 इंटू 100 अपॉन, यहाँ पे 21 की जगह क्या आएगा 20, एक्सेप्शन क्या रिप्लेस किया 20 से, ठीक है। और यहाँ पे स्टेप 4 सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है गाइस, अब यहाँ पे स्टेप 4 क्या है, कि स्टेप 4 है कि क्या बोला है कि वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड इफ 20, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एयर इफ रिक्वायर्ड 20% एक्सेस ऑफ एयर। अब एक और चीज कह दी कि एयर क्या बोल दिया 20% एक्सेस यूज किया है तो क्या होगा, तो अपन ने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर निकाल लिया नॉर्मल के लिए, ठीक है, 1 मीटर क्यूब के लिए। अब 20% के लिए कैसे करें, तो 20 कितना होता है 100% इज कम्प्लीटली टोटल मोर 20% ना, तो 120 हो गया, 20 ऐड कर दिया तो 100 में डिवाइड बाय परसेंटेज, तो 100 इनटू आपको ये जो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर मिलेगा वो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा
तो सिंपली क्या 20% एक्सेस है ना, तो इसके लिए 100 प्लस 20, तो 120 अपॉन 100 इनटू वॉल्यूम ऑफ एयर जो अपने को स्टेप थ्री से मिला। ठीक है, तो ये सिंपली कुछ नहीं, थोड़ा सा ट्विस्ट किया था, बहुत बहुत ईजी अगर आप समझ लो तो, कि यहाँ पे अज्यूम करने बोला है कि एयर को लेना है 20% बाय ऑक्सीजन, तो 121 को रिप्लेस कर रहे हैं 20 से, और अगर वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड 20% एक्सेस, या यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 30% एक्सेस हो गया, 40% हो गया, तो सिंपली 100 में ऐड करो उतना परसेंट, वो लिख दो डैट अपॉन 100 इंटू वॉल्यूम ऑफ एयर जो यहाँ स्टेप थ्री से मिला। ठीक है, तो ये था टाइप टू का एक और थर्ड ट्विस्टिंग सम। अब देखेंगे एक और सम जो थोड़ा सा ट्विस्ट ट्विस्ट कुछ नहीं है बट इजी है। सो गाइज देखो, ये एक और इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इसमें अपने को वॉल्यूम भी निकालना और वेट भी निकालना है। तो इसमें आपको मैं बताऊंगा कि वेट कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम तो हमने जैसे बाकी दो न्यूमेरिकल्स में देखा वैसे हुआ। तो बेसिकली हम पहला क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं स्टेप वन, रिएक्शन टेबल बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले रिएक्शन टेबल करेंगे रेडी, तो रिएक्शन टेबल हो गया। उसके बाद हम बनाएंगे, फाइंड करेंगे स्टेप टू में वॉल्यूम ऑफ ओ टू। ठीक है गाइस, फिर करेंगे स्टेप थ्री में वॉल्यूम ऑफ एयर, फाइंड करेंगे एयर, फाइंड करेंगे स्टेप फोर। अब यहाँ पे स्टेप फोर में फाइंड करेंगे वेट, वेट ऑफ एयर। तो वेट ऑफ एयर कैसे निकालें वो आपको हम दिखाएंगे। तो अब सबसे पहले यहाँ पे देखो दिया गया है, सारे एलिमेंट्स दे दिए, ठीक है, उनके वेट दे दिए परसेंटेज में वाटर वेपर, एंड कैलकुलेट क्या बोला है, सबसे इंपॉर्टेंट वॉल्यूम एंड वेट ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 m³ ऑफ फ्यूल। ठीक है, मॉलिकुलर वेट मेंशन किया है 28.4। अब सबसे पहले रिएक्शन टेबल, तो रिएक्शन टेबल मैंने आपके लिए यहाँ बना के रखा है बिकॉज टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो ये बैलेंस रिएक्शन टेबल है, ठीक है, इसका आप निकालोगे, ये एम्प्टी छोड़ा है, ये आपको निकालना है, परसेंटेज मेंशन है क्वेश्चन में, वीडियो में आप देख सकते हो, इनको वैल्यू को पुट करके डिवाइड बाय 100 करना है, फिर आपको सिंपली निकालना है वॉल्यूम ऑफ ओ टू। तो वॉल्यूम ऑफ ओ टू आप कैसे निकालोगे, आपको यहाँ पे कितने के लिए मेंशन है 2 m³ ऑफ फ्यूल। ठीक है, तो सिंपल है, कुछ नहीं, अपने को 2 m³ के लिए निकालना है, तो यहाँ पे 8 की जगह 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अपन सेकेंड स्टेप में अपने को क्या करना है, तो सेकेंड स्टेप में अपने को बनाना है वॉल्यूम ऑफ O2 कैलकुलेट करना है ऐसे हर एक एलिमेंट के लिए। फिर अगर उसमें O2 प्रेजेंट है, यहाँ पे O2 प्रेजेंट है क्या, रिएक्शन टेबल में नहीं, O2 प्रेजेंट नहीं है, तो सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको 1 m³ के लिए मिल जाएगा। फिर अपन निकालेंगे 2 m³ के लिए वॉल्यूम ऑफ O2, 2 m³ के लिए मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 2 कर देंगे, सिंपली मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर वॉल्यूम ऑफ एयर निकालेंगे उसके अकॉर्डिंगली, टू वॉल्यूम ऑफ ओ टू, ओ टू अबाव जो अपने को पहले वाले स्टेप में मिला, ऊपर वाले स्टेप में, फिर अपन निकालेंगे वेट ऑफ एयर। तो अब ये वेट ऑफ एयर कैसे निकालें, तो ये वेट ऑफ एयर सिंपल है, तो वेट ऑफ एयर के लिए अपन ने फॉर्मूला देखा था, मैं आपको नए शीट पे बता रहा हूँ। तो वेट ऑफ एयर के लिए अपन ने फॉर्मूला क्या देखा था, वेट के लिए अपन ने सबसे स्टार्टिंग में फॉर्मूला देखा था, ये वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल्स टू वेट ऑफ एयर इंटू 22.4 अपॉन 28.94। तो सिंपली इसी फॉर्मूला को अपन लिखेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ एयर, क्योंकि अपने को वॉल्यूम ऑफ एयर मिल चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वेट ऑफ एयर जो अपने को फाइंड करना है इंटू 22.4 अपॉन 28.949 मीटर क्यूब। ठीक है, अभी हम मीटर क्यूब में, ठीक है, तो अब सिंपल क्या करना है, अपने को वॉल्यूम ऑफ एयर पता चल जाएगी, यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम स्टेप थ्री। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ये वैल्यू को लेंगे, समझो ये कुछ वैल्यू आई अपने को जेड करके। ठीक है, फिर अपन वॉल्यूम ऑफ एयर निकाल लेंगे, फिर वेट ऑफ एयर अपन ने कंसिडर किया एक्स इंटू 22.4 अपॉन 28.949। तो सिंपली क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जेड इंटू 28.949 अपॉन डिवाइडेड बाय 22.4, तो अपने को मिल जाएगा एक्स। तो एक्स की वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू आएगी इन केजी। तो सिंपली समझा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने को सिंपल क्या करना था, जो अपन ने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल्स टू वेट ऑफ एयर 22.4 इंटू 28.4 डिवाइड बाय 28.94 को, उसमें सिर्फ वैल्यूज को रेप्लीकेट करना, मतलब पुट डाउन करना है। ठीक है, तो वो वैल्यूज को अपन जैसे ही पुट डाउन करेंगे स्टेप थ्री से, अपने को जैसे वॉल्यूम ऑफ एयर मिल जाएगा उसके बाद, तो अपने को सीधा वेट मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स या आप कह सकते हैं टेक्मैक्स या टेक्निकल सॉल्यूशंस, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, मैं उनका
बोल उनके बारे में नहीं बोलना चाहता, बट बहुत सारी बुक्स है अलग अलग जहाँ पे ऐसा कुछ अलग अलग स्टेप मेंशन किया, कंसिडर किया है कि 28 मीटर 22.4 मीटर क्यूब के लिए ऐसा लिया है तो इतने के लिए कितना होगा, तो वो सब झंझट अपने को करना नहीं है। सिंपली अपने को फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला में अपने को चीजें पता है, चीजें डाली अपने को वेट मिल गया। सो थैंक यू गाइस, ये था कंबशन की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज गाइस, अगर आप सिर्फ ये रिएक्शन तक के भी पार्ट लिखते हो ना, ठीक है, इस सम के लिए, तो आपको कंफर्म है कि 4 मार्क्स मिल जाएंगे। क्या 4 मार्क्स कंफर्म है इसके लिए? तो अगर आगे का स्टेप भूल भी जाओ तो रिएक्शन वाला स्टेप तक ध्यान अच्छे से लिख देना, ठीक है गाइस। तो थैंक यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।